नमस्कार, ड्रिंक्स स्प्रीड ऑफ कॉमर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं हूं राकेश मेवाड़ा। फ्रेंड्स, एक्सटर्नल स्टूडेंट को असाइनमेंट के लिए जो रजिस्ट्रेशन करवाना था, गुजरात यूनिवर्सिटी के जो एक्सटर्नल स्टूडेंट है उनको असाइनमेंट के लिए जो रजिस्ट्रेशन करवाना था उसकी लास्ट डेट थी 24 नवंबर 2020। अब उसके बाद की प्रोसेस क्या है, कैसे आपको असाइनमेंट मिलेगा? बेसिकली गुजरात यूनिवर्सिटी ने पहले ऐसा बताया था कि आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे हम वो असाइनमेंट सेंड करेंगे, बट उसमें थोड़ा बहुत चेंज आ चुका है। अब वो चेंज है क्या, उसके लिए आपको क्या करना है और असाइनमेंट में आपको क्या मिलने वाला है? तो असाइनमेंट में आपको हर सब्जेक्ट के दो दो क्वेश्चन मिलेंगे और वो दो क्वेश्चन लिख के आपको उसकी पीडीएफ बना के सबमिट करानी। वो सबमिट कैसे करानी है आपको, तो सबसे पहले ये मैं बता दूं कि आपको असाइनमेंट कहां से मिलेगा। तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाके माइक्रोसॉफ्ट टीम डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर में जाके क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट टीम। अब जैसे ही आप वो डाउनलोड कर दोगे, उसके बाद जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया था आपका, तो आपके मोबाइल पे एक एसएमएस आया था, उसमें आपको एक यूजर आईडी मतलब एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया गया था। तो अब आपको करना क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद वो ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक आपका जो यूजर आईडी या लॉगिन आईडी था वो सबमिट करना है। लॉगिन आईडी सबमिट करने के बाद वो जो पासवर्ड आपको मैसेज में मिला था, एसएमएस में मिला था, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे सबमिट करना है। अब जैसे ही आप वो पासवर्ड सबमिट करोगे, तो उसके बाद आपको आपका खुद का एक पासवर्ड रिसेट करना पड़ेगा। तो ये स्क्रीन आ जाएगी, ये स्क्रीन पे सबसे पहले आपको जो पासवर्ड मिला था वो सबमिट करना है। उसके बाद आपको जो चाहिए वो आपके मन पसंदीद पासवर्ड आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो उसके बाद जो सेकंड लाइन है उसमें आपका पासवर्ड, और थर्ड लाइन में आपको कन्फर्म पासवर्ड करना है। आपका पासवर्ड जो आपने सबमिट किया वो आपको कन्फर्म करना है। ये प्रोसेस हो रही है, आप देख लो। और उसके बाद जैसे ये तीन चीज क्लियर हो जाए, उसके बाद आपको साइन इन करना है। साइन इन करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी वेट होगी, ज्यादा नहीं होगी बट थोड़ी वेट होगी। अब जैसे ही आप साइन इन करोगे, यहां पे नेक्स्ट 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 जाना है, नेक्स्ट में जाओगे तो आपका जो अकाउंट है वहां पे ओपन हो चुका है। अब जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो चुका है, आपको असाइनमेंट पे जैसे आप देखोगे आपका नाम आ जाएगा अकाउंट में, तो आपको असाइनमेंट पे जाना है। बट अभी तक गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से जो आपको क्वेश्चन देने थे वो अपलोड नहीं हुए, सो उसमें आपको कुछ अभी शो नहीं करेंगे। जैसे गुजरात यूनिवर्सिटी अपलोड करेगी आपको वो चीज वहां पे शो करेगी क्वेश्चंस, और उसके बाद वो आपको कैसे सबमिट कराना है उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और जब भी आपको उसमें लॉगिन करना है तो याद रखना आपका जो लॉगिन आईडी है वो वही रहेगा, बट आपका जो पासवर्ड है आपने चेंज कर दिया तो आपको न्यू पासवर्ड डालना पड़ेगा। और ये कैसे सबमिट कराना है उसके बारे में हम नया वीडियो बनाएंगे, वो बहुत ही जल्द ये चैनल पे रख देंगे। तो अगर आपने ये चैनल हमारे सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।